सिखाएंगे। तो बच्चों पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ए। तो बच्चों ए कैसे लिखा जाता है, ए आपको अंग्रेजी की कॉपी पे सबसे पहले आपको एक ऐसे डंडी खींचना होता है और फिर एक ऐसे डंडी खींचना होता है, ठीक है बच्चों, ऊपर वाली लाइन से, ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ऐसे दो लाइनें खींचना होती हैं और फिर उसको बीच से ऐसे जोड़ देना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए, ये क्या हो गया, ये हो गया ए, ठीक है बच्चों। आपको ए इसी तरीके से अपनी कॉपी में भी बनाना है, ठीक है बच्चों, ए ऐसे बनता है। अब बच्चों हम बनाएंगे बी, बी कैसे बनाएंगे, बी बनाने के लिए आपको एक ऐसे लाइन खींचनी होती है, ठीक है बच्चों, आपको एक ऐसे लाइन खींचनी होती है, फिर आपको गोल गोल ऐसे गोल और फिर ऐसे गोल 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 आपको दो बार बनाना होता है, लाइन में जोड़ देना है। तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बी, क्या हो गया बी, ये हो गया बी, ठीक है बच्चों, ऐसे आपको बी बनाना है। फिर बच्चों बनाना होता है सी, तो सी कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको ऐसे करके ऐसे 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 लाइन खींच देनी है, ठीक है बच्चों, आपको इस तरीके से गोल गोल लाइन जैसी खींच देनी है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सी, ये इसको क्या कहते हैं, ये हो गया सी, ठीक है बच्चों। अब हम आपको डी बनाना सिखाएंगे, तो डी कैसे बनाते हैं बच्चों, डी बनाने के लिए आपको पहले एक सीधी लाइन ऐसे खींचनी होती है और उसके बाद एक गोल गोल बड़ा सा नीचे से ऊपर से नीचे तक ऐसे खींच दो। तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया डी, ये क्या हो गया, डी हो गया। आपको इस तरीके से डी बनानी होती है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं ई, ई कैसे बनाते हैं, तो बच्चों ई बनाने के लिए बहुत ही आसान है, देखो ई बनाने के लिए ऐसे लाइन एक खींच देना है, फिर एक ऊपर से ऐसे लाइन खींच देना है, फिर एक ऊपर से ऐसे लाइन खींच देना है, उससे थोड़ा छोटी ऊपर वाली से थोड़ा छोटी लाइन, फिर एक ऐसे लाइन खींच देना है ऊपर वाली के बराबर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ई हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसको ई पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आता है हमारा ए बी सी डी ई एफ, क्या आता है एफ, तो बच्चों एफ कैसे बनाते हैं, उसको भी बहुत आसान है, उसको ऐसे एक सीधी लाइन खींच दो और फिर उसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दो और उससे एक छोटी लाइन खींच दो, इसमें नीचे की लाइन नहीं खींची जाती है, यही एफ हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, यही एफ हो जाता है। ई के ई में नीचे की लाइन खींची जाती है, एफ में नीचे की लाइन नहीं खींची जाती है, ये एफ हो गया, ठीक है बच्चों। ए बी सी डी ई एफ, और फिर आता है जी, ठीक है बच्चों, जी आता है, जी, जी कैसे बनाएंगे, जी बनाने के लिए बहुत सरल है, आपको एक ऐसे गोल गोल लाइन खींचना है, फिर इस लाइन को यहाँ लाना है, फिर इसको यहाँ लाना है, फिर यहाँ लाना है, ये हो गया जी, क्या हो गया बच्चों, ये ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या हो गया, जी, ये हो गया बच्चों जी, इसको क्या पढ़ते हैं, जी पढ़ते हैं, ये हो गया जी, ठीक है। और फिर आता है बच्चों एच, एच कैसे बनाते हैं, इसको लाइन खींच दे एक सीधी सीधी, एक लाइन सीधी सीधी फिर खींच दिया, दो लाइनें सीधी सीधी खींच दिया सामने सामने बराबर बराबर, फिर एक लाइन इसके बीच में खींच दिया, ये क्या हो गया बच्चों, एच हो गया, ये क्या हो गया, एच हो गया, ये हो गया बच्चों एच, एच
इसको क्या पढ़ते हैं, एच। ठीक है, अब क्या बच्चों आएगा आगे पढ़ो, हम पढ़ाते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्या आएगा बच्चों, आई 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 आएगा। तो आई कैसे बनते हैं बच्चों, आई बनाने के लिए बहुत ही सरल है, उसके लिए आपको एक सीधी लाइन खींचना है और एक उसके नीचे लाइन खींचना है और एक उसके ऊपर लाइन खींचना है। ये क्या हो गया, आई। क्या हो गया ये, आई। आई हो गया जी एच आई। फिर क्या हो गया, जे। फिर क्या बनाना है बच्चों, जे। आई के बाद क्या आता है, जे। तो जे के लिए आपको क्या करना है, ऐसे एक सीधी लाइन खींचना है, फिर एक ऐसे लाइन इसमें मिला देना है और फिर एक ऊपर इसके लाइन खींच देना है। ये क्या हो गया, जे। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया जे। आई जे, ये क्या हो गया, जे। और फिर उसके बाद है बच्चों, जे के बाद क्या आता है, हाँ बताओ बताओ क्या आता है जे के बाद, के। के के जे के बाद आता है के। बनाने के लिए एक सीधी लाइन खींच दो, फिर एक ऐसे लाइन खींच दो, फिर एक ऐसे लाइन खींच दो। ये क्या हो गया बच्चों, के हो गया। ये क्या हो गया, के। इसको क्या पढ़ते हैं, के पढ़ते हैं, के। और फिर इसके बाद क्या आता है बच्चों, जे के एल। एल आता है, इसके बाद क्या आता है, एल। तो एल बनाने के लिए क्या करना है, बहुत ही सरल है एल बनाना। कैसे बनाओगे, एक सीधी सीधी लाइन ऐसे खींच दो और फिर उसके नीचे से एक ऐसे लाइन खींच दो। ये क्या हो गया बच्चों, एल हो गया। ये क्या हो गया, एल हो गया। ये क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है बच्चों, जे के एल। और फिर उसके बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है, पढ़ो जरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एल के बाद क्या आता है, एम। एम बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एम के लिए एक सीधे सीधे ऐसी लाइन खींच दिया और फिर एक सीधे सीधे लाइन ऐसी खींच दिया। ठीक है बच्चों, फिर एक ऐसी खींच दिया, फिर एक ऐसी खींच दिया। ये क्या हो गया, एम हो गया। ये बच्चों हो गया एम। इसको क्या कहते हैं, एम कहते हैं, जे के एल एम। ये हो गया एम। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, एन। हाँ बहुत सही, इसके बाद आता है एन। एन कैसे बनाओगे, एक लाइन ऐसी खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो। ठीक है बच्चों, ये दो लाइनें आपस में इधर उधर आमने सामने खींच दी और फिर इस ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में मिला दो। ये क्या हो गया, एन हो गया बच्चों। क्या हो गया, एन। इसको क्या पढ़ते हैं, एन। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एन। एन बन गया। ठीक है बच्चों, एम एन। और उसके बाद क्या आता है, ओ। उसके बाद क्या आता है, ओ। ठीक है, क्या बच्चों आता है, ओ। एम एन ओ। तो ओ क्या, गोल गोल अंडा। ओ क्या बनाता है, गोल गोल अंडा। ये क्या हो गया, गोल गोल अंडा, ओ हो गया ये। इसको क्या कहते हैं, गोल गोल अंडा, ओ। ठीक है, ओ हो गया गोल गोल अंडा। और फिर उसके बाद बच्चों क्या आता है, ओ। फिर आता है पी। ओ पी, पी। पी कैसे बनता है, पी बनाने के लिए बहुत सरल है, उसके लिए एक ऐसे लाइन सीधी सीधी खींचो और एक डंडा ऐसे बना दो गोल गोल, बस। ओ पी, ये पी हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, पी हो गया। ऐसे पी बनती है। फिर उसके बाद आता है ओ पी। फिर आता है क्यू। क्यू क्यू जिसको पढ़ते हैं क्यू। क्यू कैसे बनता है, गोल गोल अंडा बना दो, ऐसे गोल गोल अंडा क्यू, और फिर उसके से नीचे से एक ऐसे बना दो। ये क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, क्यू हो गया। गोल गोल अंडे में नीचे से पड़ाऊ की मात्रा लगा दो, क्यू बन गया। ठीक है बच्चों, ओ पी क्यू। और फिर उसके बाद आता है क्यू के बाद क्यू आर। फिर आर आता है, तो आर के लिए ऐसे लाइन खींच दो एक, फिर एक ऐसे उसमें खींच दो, फिर एक सीधे सीधे लाइन खींच दो। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया क्यू ए, सॉरी आर। ये हो गया क्यू आर आर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आर आर, हो गया आर। ठीक है बच्चों, आर के बाद आता है
क्यू आर एस एस टी, फिर एस आएगा, एस आएगा, ठीक है बच्चों। तो एस कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। जैसे पाँच बनाते हो उसको ऊपर से लाइन खींच देते हो, इसमें बस सीधे सीधे आपको गोल गोल बनाते ही जाना है। आर फिर ये हो गया एस, ऐसे कर दो, ये एस हो गया, इसमें क्या है, बहुत सरल है। ये एस ऐसे बन गया, ये क्या हो गया, एस हो गया। फिर बच्चों क्या आता है, इसके बाद आता है टी, एस टी, टी आता है सबसे सरल बच्चों, टी है। टी के लिए एक सीधे ऐसे सीधे सीधे लाइन खींच दो और उसके ऊपर एक सीधे लाइन खींच दो, ये क्या हो गया, टी हो गया, बस हो गया टी। और इसमें क्या है, ठीक है बच्चों, ये हो गया टी। अब हम आपको फिर से पूरी पढ़ाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, यू। यू के लिए क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे उल्टा गिलास बना देना है, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया यू, ये उल्टा गिलास बन गया, ये यू हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया यू, उल्टा गिलास बना क्यू हो गया, ठीक है बच्चों, ये हो गया यू, ठीक है। और अब आता है हमारा यू वी, वी आता है वी, यू वी, वी विक्ट्री वाला साइन, विजय। वी कैसे बनेगा, एक ऐसे लाइन खींच दिया और एक ऐसे लाइन खींच दिया, ये लू बन गया वी, कितना सरल, ये वी बन गया, तुरंत बन गया, इसमें तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा, देखा बच्चों, तुरंत वी बन गया। और फिर आता है अपना डब्ल्यू, उल्टा डब्ल्यू, धमाल वाला, देखा बड़ा डब्ल्यू, फिर आता है वही है डब्ल्यू, डब्ल्यू ऐसे लाइन खींचो, एक ऐसे लाइन खींचो, एक ऐसे लाइन खींचो, एक ऐसे लाइन खींचो, बन गया ना डब्ल्यू, कितना आसानी से बन गया डब्ल्यू, बन गया ना डब्ल्यू बच्चों, यू वी डब्ल्यू, बन गया ना डब्ल्यू, तुरंत बन गया। और फिर आता है डब्ल्यू के बाद, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, एक्स ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो, ये क्या बन गया, क्या बन गया है बच्चों, एक्स, एक्स ये तो बहुत बहुत सरल है, इसको ऐसे लाइन खींचो, क्रॉस करके लाइन खींच दो, बस एक्स हो गया। और इसमें क्या है, क्या बन गया, एक्स बन गया, एक्स बन गया, एक्स। और बच्चों आप वाई बनाना है, वाई के लिए क्या करना है आपको, एक लाइन टेढ़ी ऐसे ऐसे खींचना है और फिर एक इसके ऊपर एक सीधी सीधी ऐसे टेढ़ी, हल्के से टेढ़ी इधर की लाइन खींच देना है, ये क्या बन गया, वाई, वाई बन गया, ये बन गया वाई। अब आता है हमारा लास्ट और आखिरी अक्षर जिसको बोलते हैं जेड। जेड के लिए आपको सरल तरीके से बताता हूँ, एक ऐसे लाइन खींचो, फिर एक ऐसे लाइन खींचो, ठीक है, फिर एक ऐसे लाइन खींचो, क्या बन गया, ये हमारा जेड बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, जेड बन गया, इसको कहते हैं जेड, जेड जेब्रा वाला, वही धारीदार जानवर जेब्रा। अब इसको हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, पूरी एक बार पढ़ते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो ठीक है बच्चों मेरे साथ पढ़ो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। तो आपको ए बी सी डी इस तरीके से याद करना है।